Assalamualaikum तमाम दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल का नाम है सैफ अली टीवी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ, शुक्रिया मेहरबानी। Ah!
जाने के लिए कुछ मैं और ड्राइवर जाने और पड़वा मैं किस प्रकार इस प्रक्रिया के काम फैलो का वही गाँव है जो खून मन सिंह की लगा में चल रहा था वो चल रहा है एक बिरादरी एक गाँव एक भाई जो भी मन सिंह का एक बिरादरी का आदमी है कौन बिरादरी कृष्ण उनसे सलाह कर ले सभी रुपया देखा यार गिर गए और बीए की तारीख पूछी राजपूत के आत्मा देखे पठान का पूछ गढ़ी का और यह गढ़ी का दूध रुपया दे के मिल जू नहीं और मेरी जात पठान है सगड़ी रुपया दे के नहीं मिलूंगा मैं तू यहां बात कर अगर ये राजपूत का समय हूं पठान सदारों पुरुष नित्य भाषा आगर भाषा में कचहरी लगाई कचहरी में आकर पठान रखे पठानो राजपूत लड़ाई मैंने देखी है किसी तरह से देखी बात करना एक बड़ी बहादुरी के साथ में लड़े हैं तलवार की लड़ाई देखी और मैंने देश के गुंडा लगाया मैं बारह साल तक तलवार की लड़ाई राजे दुश्मन के साथ में लड़ूंगा तो ये दुश्मन मेरे साथ नहीं आए और मुझे ऐसी टीम बनाओ कि क्या करा दे दुश्मन की कमर खुश और पठान बोलने के बाद सलामत अगर तलवार की लड़ाई है ये लोग काबू नहीं आवे में क्यों कि एक लड़ाई तक काबू आवे कैसी के प्रेम की बादशाह ने डुक्के की लड़ाई राजा जो सुमत कर रहे तम्बू ये तो बाहर पड़े थे और पांच हजार हर सिपाही के बने थे इंतजार थी कि कब पता ना मना करोगे बादशाह ने कहा कि एक काम तैयार करो कि एक जमीन दो सुरंग बनवाओ जहां पर राजा दुश्मत का फौज है तेरा तंबू है लगा के गिरे गए और दुश्मत की फौज तक एक जमीन दो सुरंग खोद कर और उसके वहां बरूद भर दो और लगा दो उसको लिखते ना आग ताकि वह सुरंग फटे और सुरंग के पट से ही राज दुश्मत का मर्दर घोड़ा उस बरूद की लड़ाई में खत्म हो और सरदारों वाल बुरी लोगों ने लिखा है कि तीन दिन तीन रात पठान सरदारों बेचते और देखते ले लेकर जमीन तो सुरंग खोदी और सरम दिन पठान में उस सुरंग के मां सरदारों ग्रुप भरी और ग्रुप के मां लोहे के टुकड़े पत्थर के टुकड़े और फ्रंस के टुकड़े भर दिए ताकि यह सुरंग फटे और ये टुकड़े घोड़े का काम दे और सरदारों चौथी रात आ गई बादशाह ने कहा कि बादशाह सलामत सुरंग तैयार हो चुकी है और तेरा हुक्म हो तो पुलिस से मां आग लगा दी जाए थोड़े हो गए सरदार तड़के का वक्त था बड़ी सजर का टेम था राजा दुष्मत के सरदारों सिपाही तंबुओं में बैठे हुए थे सिर्फ यार बने हुए थे इंतजार में के कल बादशाह का लश्कर निकले और हम जंग जारी करें सरदारों कुछ बड़ी सजर वो बादशाह हुक्म दे रहा है और सुरंग के पलीसे में लगा रहा आज एक राजा दशरथ की सरदार और लश्कर पर कयामत ही आकर टूटता है कहा नहीं कहा